बंद कर बंद कर, आप मीडिया से हो? बिल्कुल यस। अरे नहीं नहीं अरे नहीं घुसो अंदर, गिरो, एक दूसरे का मलाड तोड़ो, एक दूसरे का गोरेगांव तोड़ो। चलो, हम पानी दिख रहे हैं, कहाँ इतना हंस रहे हो? अरे सब कहाँ हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? पहले थोड़ा पास में आओ, सोच में आ रहे हो। कहाँ देख रहे हैं, हम तो जोकर दिख रहे हैं, इतना हम हॉट एंड हैपनिंग है। बोलते जो राजा क्या कर रहे हैं यार? अरे राजा, अरे क्या है राजा, बताओ यार क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी देख, चलो अभी बताओ। ओके, पैकअप पैकअप पैकअप। हाँ बोलो, क्या बोलो, सवाल पूछो। थोड़ा पीछे ले यार, ये दिल्ली वाली लड़की के साथ क्या हो रहा है? चले आधे लोग नामर दे क्या उधर? वो लड़की बिचारी मेहनत कर रही है, वड़ा पाव बना के बेच रही है। हाँ, कुछ लोग एक नाम मर्द लोग हैं जो उसे वो छेड़ रहे हैं। अरे मर्द बनो, मर्द खुश रहे मत बनो। आपको बताया किसकी बात कर रही हूँ मैं? हाँ वड़ा पाव गर्ल, मैं बर्गर गर्ल हूँ। आम बर्गर गर्ल, वो वड़ा पाव गर्ल, बहुत जल्दी मैं बर्गर बेचूँ, ऐसे बेचूंगी, मैं बर्गर बेचूंगी, ऐसे बेचूंगी। तो गल्ले पे बैठेंगे। ये कुछ कहना चाहते हैं? अरे मैं ये कहते हैं वड़ा पाव, वो वड़ा पाव गर्ल जो लड़की है दिल्ली वाली बिचारी, उसको लोग सपोर्ट करो यार। एक लड़की रोड पे उतर के अपना काम धंधा छोड़ के वो वहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उसको सपोर्ट करो, जी और जीने दो। कुछ लोग ना मर दे यार, ऐसा मत करो, जाके पब्लिसिटी के भूखे जाके वो बिचारी लड़की को दबोच रहे, रुला रहे, गलत है। ईमानदारी का काम करती है तो भी उसको नहीं जीने दे रहे। हाँ क्या करेगी वो? वड़ा पाव नहीं बेचेगी तो क्या काजू कतरी बेचेगी? बोलो रितेश का कोई मैसेज है? बोलो। हाँ, ये आदिल खान दुरानी के नाम पे मैसेज है, कल इसका मैसेज देख रहा था। ये इतना चीप बंदा है कि पहले तो आप जूते, लोगों के जूते के बारे में, टी शर्ट के बारे में बोल रहा है। आदिल खान दुरानी, मैं जिस ब्रांड का टी शर्ट पहनता हूँ, जिस ब्रांड का जूता पहनता हूँ, तू 200 लड़कियों को चूना लगाएगा या 200 लोगों को अपनी दुकान बेचेगा तब तुमको उतना पैसा आएगा, समझे? मेरा एक ट्रिप जो है होता है जहाँ से मैं चलता हूँ, वो तू कितने पूरे जन्म ले लेगा ना, तभी तू बराबरी नहीं कर पाएगा। ए देखो गुच्ची, मैंने गुच्ची पहले तो खुद का औकात देख ले, उसके बाद किसी को बोल। लड़कियों को चूना लगा लगा के, लोगों को टोपी पहना पहना के तू यहाँ तक आज तक कुछ कर भी पाया है, एक कपड़ा भी पहन पाया है। रितेश, रितेश गुच्ची के जैकेट, गुच्ची का, एक मिनट, गुच्ची का पैंट और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे से बात कर लो। अगर ऐसी औकात है ना तो अपने माँ बाप का, अपने पूरे खानदान का बैंक अकाउंट ले लो और मेरे पर्स में एक ही अकाउंट तुमको बोलूंगा जो तुम बोलोगे। तभी तो मैं हूं साथ। बोला ऑनलाइन मीडिया में दिखा दो, इनके अकाउंट में कुछ है, तभी तो मैं दिखा दूं। तुम्हारे बाप के पास भी उतनी औकात नहीं होगी, इसकी टोपी उसके सर करके तुम जिंदगी जी रहे हो। ये भी मेरे साथ। और रही बात कि तुम्हारे जैसा बंदा जिसने इस्लाम को बर्बाद कर दिया है, इस्लाम को चौमत में ला दिया है, तुम्हारे जैसा बंदा इस्लाम में हराम है ये सब दिखाना, तुम पहले दिखाए हो, उसके बाद तुम किसी लड़की को ओपनली किस करते हो और उसके बाद, तो फिर कहाँ गया पर्दा? जब तुम लड़की को किस करते हो और उसके बाद तुम मीडिया में दिखा रहे हो, कहाँ गया पर्दा तुम्हारा?
तो तुम्हारे जैसे लोगों को मस्जिद में घुसने तुमको सही किया था लोग, मैसूर वाले ने तुमको और तुम्हारे फादर को मस्जिद में घुसने नहीं दिया था, ये सही किया था, और तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए, समझे? तो ये लास्ट वार्निंग है, मेरे से पढ़ोगे ना तो 6 महीना भीतर करवाया था, वो ईरानी लड़की और कोई नहीं, वो मेरे वजह से ही तू भीतर था, और इसके बाद अभी 6 महीने नहीं 6 साल के लिए भेजूंगा, ये बात तेरे को लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद ऐसे लगना है जिसके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। और हाँ, और हाँ, रितेश सिंह अमीर आदमी है तभी मैं उसके साथ हूँ। रितेश गुची पहनता है, ये गुची गुची रितेश के जांगिया भी साचे का है। और रही बात, ये एलिगेशन मैंने तुम पर लगाया था कि तूने सारे कपड़े बेच के, मेरे सारे कपड़े बेच के और तूने वो पैसे बना लिए थे, ये एलिगेशन मैंने लगाया था। और रही बात कि इतने लोग हैं मीडिया में, ये टी-शर्ट, जिस टी-शर्ट की बात कर रहा था, चलो मैं आपको खबरदार रितेश के बारे में कुछ बोला तो आपको ऊपर से नीचे तक वसाचे है। आपको मैं सब जितने मीडिया पर्सन है उनको सब दिखा दे रहा हूँ, जिस टी-शर्ट की ये उस दिन इस टी-शर्ट पे बात कर रहा था, ये सारा ये टी शर्ट उसके है, ठीक है? ये टी शर्ट उस दिन मैंने पहना था, यहाँ पे ये कह रहा था ये टी शर्ट रितेश सिंह दिन में 10 टी-शर्ट चेंज करता है और 5-5 कच्चे भी चेंज करता है। ये देखो, ये टी शर्ट बोल रहा था कि ये उसके, ये देखो ये टी शर्ट उसके बोल रहा था, ठीक है? ये टी शर्ट बोल रहा है उसके है, ये इतना चीप बंदा है कि ऐसे गिरी हुई हरकतों पर करता है। ये देखो ये टी शर्ट बोल रहा था उसके है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्रीवियस जितने भी, मैं हमेशा लाइव आता हूँ तो देखो मेरे प्रीवियस। अरे तुम इस नेवले को क्यों मुंह लगाते हो यार? अच्छा, ना इसमें मेरे प्रीवियस वीडियो के होंगे क्योंकि मैं वो टी शर्ट बहुत बार पहना हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो टी शर्ट कहाँ के हैं। चलो मैं बात करती हूँ, ढूंढ लो, छोड़ो, हो गया, छोड़ो अभी, कदम देख लिया। देखो ये गाइस छोटो, आज मैं कहना चाहती हूँ रितेश के बारे में, इधर मुंह दिखाओ तुम्हारा, रितेश वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो यार। देखो ये यही टी शर्ट सेम है, ये टी शर्ट है, ये जर्मनी का नहीं दिख रही हम लोग। अच्छा रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक रितेश का देखो टी शर्ट जर्मनी से आता है, ये सेम टी शर्ट पहना हूँ, लंदन से आता है, और सेम टी शर्ट मैं पहना हूँ, और देख लो ये कहाँ का, इसमें लोकेशन है म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट में, ये टी शर्ट मैं वहाँ पे पहना हूँ। इसको केवल बता दो कि जिस ब्रांड का ये टी शर्ट है, ये साला कितने लोगों को सेंडी मारेगा उसके बाद भी कंपेयर नहीं कर पाएगा। अरे वो सेंडी बोलने, अब ये सब बोलने की बातें नहीं होती है, ये हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी में रहते हैं, हम लोग जहाँ से हैं बिलोंग्स करते हैं और रखते हैं तब बकते हैं, ठीक है? तो ऐसी ऐसे बंदे को बोलो कि 200 लोगों को पिछवाड़ा देगा, तब उसके बाद ही तेरी औकात होगी। इतनी 200 लोगों नहीं, 400 लोगों को बस हो गए, दिखा दिए। सबसे रईस आदमी है जितने होटल में बैठ के खा रहा हूँ, होटल में बैठ के खा रहा हूँ, वो तू 200 लोगों को सेंडी मारेगा तब भी उसका एक दिन का बिल नहीं भर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, देख लो मेरे सारे खाने के बिल भी यही भरता है। गाइस सुनो मेरी बात, रितेश सिंह जिंदाबाद, दोस्त हो तो ऐसा हो अमीर आदमी, बस ये अंबानी जी से इतना ही कम रईस है, अदरवाइज सबसे रईस है। रितेश जी का जैकेट वसाचे, ये आईटी का टैक्स बढ़वाएगी क्या? ये टी शर्ट गुची का है, पैंट और कौन सा ब्रांड बाकी, गुची का है, जूता इतना ब्रांडेड है, कच्चा जॉर्डन का है। आप देखो इसका सारे कपड़े कहाँ से, जैकेट टी शर्ट पैंट कहाँ से, सारे कपड़े जूते जो थे ये खुद ही बेच के उसके एक भी जूते की कीमत ये नहीं दे पाएगा, इतने सबको सारे कपड़े घटिया। और सर इससे पूछो कि ये मुंबई से भागा क्यों है, ये मुंबई से जाके मैसूर में क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 3-4 जगह से घर बदला, यहाँ पे एक भी घर का किराया ये देने में सक्षम नहीं था, फिर जाके लोगों के साथ रूम शेयर किया,
उसके बाद भी उसको भी संडी मार के रूम पे, जो कि वो बंदा डीआई वाला बंदा था, सिर्फ वो बेचारा डीआई करता था, वो बंदे गोरेगांव में जाके उसके साथ रूम शेयर किया बिना पैसे दे के भाग गया। बाकी है पान वाले का और तल वाले का, ये कहां है उसके बिल बाकी है भाई, इसको पूछो कि कहां। अभी जो पत्नी उसकी है वो यहाँ पे मुंबई की बंदी है, उसको ले जाके ये मैसूर में और कहाँ कहाँ रह रहा है, क्यों नहीं आके अफोर्ड कर रहा है। बहुत इसको मीडिया का शौक है तो यहाँ आए। यार उसकी बीवी उसको जहाँ लेके जाके रखना है रखे, अरे भाई तो महल में रखे के गड्ढे में रखे अपने को क्या। सीधा सा बात है ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, कि जितना हो औकात में उतना ही बातें करो। जब आप खुलेआम कहता है, खुलेआम कहता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे नाम से राखी खाती है। अबे गुड लुकिंग किस एंगल से है, तेरा पासपोर्ट का फोटो हमने देखा है, तेरा प्रीवियस फोटो अगर दिखा दूं तो तू रिक्शे वाला से भी डाउन दिखता है। उसका शर्ट उतारो तो पेट उसका ऐसा है, तो ऐसा तुम रिक्शे वाले से भी डाउन दिखता है। और उसके बाद साला तुम बात करता है बड़ी बड़ी बातें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अच्छा दिखता हूँ। कौन सी फिल्म में, एक बात बताओ, कौन सी फिल्म में इसने एक्टिंग की है? ये दुकान वाली फिल्म छोड़ के कौन सी फिल्म में इसने एक्टिंग की है? कौन सी फिल्म इसकी आई है? कौन सी दुकान? ये दुकान की जो दुकान बेच के ये लोगों को संडी मार रहा है। अच्छा अच्छा वो इसके बाद कौन सी फिल्म में तुमने एक्टिंग किया? शटर डाउन, शटर अप, शटर डाउन। और वो भी वीडियो है पुराना, गल्ले में पैसा डालो, निकलो के साथ का वीडियो है। ठीक है तो सब हम लोग को सुन, हम लोग को मुंह मत खुलवा, लेकिन मैं जब खुलूंगा ना तो राखी है, राखी से 10 गुना स्पीड पे मैं बोलूंगा और मेरा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम रितेश का, क्योंकि रितेश के कपड़े लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं इसके पैंट, पेरिस से आते हैं इसके जूते, क्या नहीं पाकिस्तान से कुछ नहीं आता है, पाकिस्तान नहीं जाते इसके जूते, कनाडा से आते हैं इसके कच्चे, दुबई से, दुबई से। तेरे को कैसे पता है कच्चे कहाँ से इसमें लिखा हुआ है, कच्चे में कच्चों पे लिखा हुआ है। नहीं लेकिन ये गलत है, जो भी ये बंदा लोगों को अभी इसका देख रहा था, राखी के पास खाने को पैसे नहीं है। फिर राखी क्या है, तू सेंडी जो नहीं मारा रहता, वो सेंडी नहीं मारा रहता तो राखी के पास अभी भी तुम्हारे पास क्या है ना, तेरे को झटके की नहीं, तेरे जैसे कितने कितने सी निकलेंगे, समझे? तो इसीलिए ये राखी को मत बता, राखी मैं और रितेश अंबानी से बस इतने ही गरीब है बस। राखी को बोलता है, राखी के पास चार चार घर है दुबई में, तेरे पास क्या है? पांच, अभी पांच पैदा होने वाला है। पागल ऐसी बातें करता है, खाने को पैसे नहीं है, तू खिलाता है, तू खुद के खाने के मानदे है। गाइस मैं बहुत अमीर हूँ, तभी अनंत अंबानी की शादी का ऑफर हम दोनों को आया है और हमारा परफॉर्मेंस भी वहाँ होने वाला है, गाना भी हम लोग ने सिलेक्ट किया, तेरी चू तेरी चू तेरी चूड़ियों के खनखन से मेरा लंदन जाना छूट गया, तेरी गाँव तेरी गाँव तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लो मेरा लो मेरा लोटा उसमें डूब गया। हम परफॉर्मेंस करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अरे कहा नहीं करोगे, थैंक यू, कहा नहीं करेंगे ये परफॉर्मेंस बता, जायदाद से बेदखल हो जाऊ। ये क्या मतलब है, कितना है इतना अच्छा है, तुम सिंगर बन रही हो। थैंक यू हो गया अभी राखी जी, चलो जिन जिन ये देखो ऊपर से नीचे तक वसा छे, ठीक है ठीक है, थैंक यू राखी जी, ओके बाय। चलो हम लोग मर्सिडीज में आए लेकिन जाएंगे ऑटो में, चलो। अरे रुको ना, सोलो नहीं हुआ, अच्छा चाहिए सर, हम लोग सोलो नहीं हुआ, थोड़ा फोटो कर ले तो पीछे पीछे, थोड़ा सदमा आ जाओ, शुरू करो थोड़ा पीछे पीछे जाइए पीछे जाइए, राखी जी फोटो कर लेते पहले, फोटो क्यों नहीं, हम तो जोड़ी में, हां हां जोड़ी में, हम बलिए करेंगे, बिग बॉस करेंगे, हिट है जोड़ी, हिल बलिए करेंगे, लेट बलिए करेंगे, राजन तो हाथ पीछे है, नया शो आने वाला है यहां पे, देखिए नच बलिए, हिल बलिए, लेट बलिए, बैठ बलिए, राखी जी यहां पे, चल कल आ रहे हैं, थैंक यू, हां लेकिन कल का अभी नहीं बोलना, कल तो तुम लोग को बोल नहीं सकते, अलग ही रूप है कल मेरा, चलो चलो भाई, थैंक यू राखी जी, थैंक यू, हो गया नहीं जब तक मैं रिक्शा में नहीं बैठूंगी, लोग जाएंगे नहीं, डर होता है खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, एक सेल्फी का 500 भाई, हाँ है कि नहीं, हाँ बोलो ले लो अभी, आओ आओ आओ, 500 रुपये ले दो, अब महंगा है तो ले ही लो, आ जाओ इधर, घूम जाओ राखी,
नहीं नहीं थैंक यू सो मच, पैसा दो 500 रुपया, 500 दो गूगल पे।